हेलो एंड वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज मुंबई में भारी बरसात के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं बह रही है। जी हाँ दोस्तों, ये ताऊते तूफान है जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर के ऊपर नापी जा रही है और बताया जा रहा है कि इससे अलर्ट घोषित कर दिया गया है पूरे मुंबई को। और मुंबईकर्स को कहा गया है कि तमाम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित जगह पर रहें, कोई भी सड़क पर ना निकले और अगर कोई वाहन लेके निकलने की सोच रहा है तो बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब हैं और सड़कों पर बहुत तेज़ी से हवाएं बह रही है। कई जगहों पे पेड़ पौधों के गिरने की भी बताई जा रही है। कई जगहों पे सड़कों पर जो है बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं तो कई जगहों पे बालकनियों से जो है जो पौधे लगाए रहते हैं उन तमाम पौधों के गिरने की बात कही जा रही है। यानी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है यहाँ पर इस समय तमाम जगहों पर। आप पेड़ों को देख सकते हैं, ये लाइव आप टेलीकास्ट देख रहे हैं तो ये मुंबई की सड़कों के हालात किस कदर हो चुके हैं। साथ ही मुंबई के 5 इलाकों में पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया गया है और मुंबई में तमाम जो बसेस हैं उन्हें रोक दी गई है कुछ समय के लिए और लोकल ट्रेन और एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद किया गया था, लेकिन इसे अब शाम तक के लिए बढ़ा दिया गया। जी हाँ, पहले 3 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया था भारी मौसम जो है ख़राब होने की वजह से, लेकिन अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हालात अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी ताऊते का जो कहर है वो मुंबई के ऊपर बना हुआ है। बात करें, बताया जा रहा है कि ये तूफान लगभग 3 बजे के बाद जो है गुजरात में पहुंचने वाला था, लेकिन अभी तक मुंबई में ही इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये शाम तक या रात तक जो है मुंबई में इसी प्रकार मूसलाधार बारिश के साथ हवाएं बह सकती है। तो इसलिए आप शाम से पहले कहीं पर भी निकलने की कोशिश ना करें जब तक मौसम साफ ना हो जाए। गाइडलाइंस के अनुसार कहा गया है कि तमाम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इलेक्ट्रिक सामानों से दूर रहें। जी हाँ, इस समय अर्थिंग वगैरह का खतरा ज़्यादा होता है, यानी कि नंगे पाँव अगर आप कोई स्विच वगैरह इस्तेमाल करते हैं बंद चालू तो आप कृपया करके चप्पल का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपको करंट से बचने को भी काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास या आसपास कहीं पर ही पेड़ पौधे या ज़्यादा तूफान ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।